हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आई अगेन वेलकम यू ऑल टू दी विकिपीडिया क्लासेस। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट थर्ड होने वाला है। मेक श्योर इस पार्ट को देखने से पहले आपने पार्ट वन और पार्ट सेकंड देख लिया हो, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से थोड़ी सी अटैच्ड है। तो आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी लेने के लिए आई होप आप लोग पहले सेकेंड और फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, लेट्स स्टार्ट। पहला टिप आपका क्या आता है? इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फिशली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ब्रह्मांड को सेल्फलेसली सपोर्ट करेंगे ना, तो आपको भी एंडलेसली रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको भी ब्रह्मांड रिटर्न में सपोर्ट करेगा। अब लेट्स सपोज एग्जांपल क्या है इस चीज़ का, यानी कि आप गिवर हो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपने आप को हमेशा गिवर कंसिडर करो। अगर आप अपने आप को हमेशा गिवर कंसिडर करोगे ना, तो देखना एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके में भावना आ जाएगी कि आप लोग दूसरों की हेल्प ज़रूर करो, आप लोग दूसरों की हेल्प ज़रूर करो। और देखना जैसे जैसे आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, वैसे वैसे आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टिप आपका क्या आता है? लेट्स सपोज कोई भी चीज़ है, आप उसको करे जा रहे हो, मतलब यू आर एडिक्टेड टू समथिंग। अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड में हो और आप उसको पीछे छुड़ाना चाहते हो, उसका एक सिंपल सा उपाय ये है कि आप उस चीज़ को एक्सेसिवली स्टार्ट कर दो। एक्सेसिवली का मेरा मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपको जंक फूड खाने की आदत है, लेट्स सपोज आपको मोबाइल फ़ोन चलाने की आदत है, लेट्स सपोज आपको टेलीविज़न देखने की आदत है, मतलब आपको कुछ भी करने की आदत है एक्स वाई जी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को एक्सेसिवली करते जाओ। अगर आप एक चीज़ को एक्सेसिवली करते जाओगे ना, तो देखना माइंड का एक आपका सेचुरेशन पॉइंट आएगा, जहाँ पे आपका माइंड स्टॉप हो जाएगा कि यार नहीं, ये चीज़ तो बहुत हो गई, अब क्या करना है आगे, ये चीज़ बहुत हो गई, अब आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड बना ही इस तरीके से है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो आप बोर हो जाओगे। देखना अगर आपको बर्गर या पिज्ज़ा, आपको जो भी खाने का मन हो, आप उसको बार बार खाए जाओ, डेली खाओ, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपका ब्रेन कहेगा यार ये तो अब अच्छा सा नहीं लग रहा। देखना अब एक साल तक वो चीज़ खुद करोगे ही नहीं, एक बार इसको ट्राई करके देखना। अब आप कहोगे मैम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड तो टिप्स है ही नहीं, ये तो आप यूज़फुल टिप्स दे रहे हो। यस एग्जैक्टली, ध्यान कीजिए मैंने आपको पिछला इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि पर्सनालिटी अंदर और बाहर दोनों की चीज़ों को मिला के होती है। यानी कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, इट इज़ बेसिकली द आउटर एंड इनर, हाउ वी परफॉर्म आवर ब्रेन, ठीक है। हम अपने ब्रेन को कैसे परफॉर्म करते हैं, यही तो पर्सनालिटी होती है। चाहे आप भाई बाहर से अच्छे कपड़े पहन लो और आपका दिमाग अंदर से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता, आपका आईक्यू लेवल ख़राब है, तो क्या उस केस में हम बोल सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है? नहीं, पर्सनालिटी बनती ही इसी से है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे क्रूशल रोल आपका दिमाग प्ले करता है। कितनी बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, ऑब्वियसली आ गई होगी। देखिए सेशन को बहुत इंटरेक्टिव रखिएगा, ताकि आपको वीडियो जैसी फील ना आए, आपको बिल्कुल लाइव सेशन जैसी फील आनी चाहिए, ठीक है। एंड वीडियो को एंजॉय करते हुए देखिएगा, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आएगा वीडियो को देखते हुए। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और मैं बिना पिच के बोलती जाऊँ। पिच क्या होती है? हाई पिच, लो पिच, मतलब मैं किसी बात पे स्ट्रेस ही नहीं कर रही। अगर मैं किसी भी बात पे स्ट्रेस ही नहीं कर रही, तो आपको समझ में कौन सी आएगा कि ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या आप बात समझ में आ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक ही फ्लो में बोलती जाऊँ, नहीं आएगी। इसी वजह से आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग जो भी प्रेजेंटेशन देने जाए इन फ्यूचर, आपकी जो भी स्पीकिंग स्किल्स हों, आप पहले उसको मिरर में देखिए, मैं दिख कैसा रहा हूँ, मेरी पिच कैसी जा रही है, क्या इस
वर्ड पे अगर मुझे स्ट्रेस करना है तो मेरी हाई पिच है या नहीं, मेरी कन्विंसिंग पिच है या नहीं। क्या इतनी बात आपको मेरे समझ में आ गई या नहीं आई? स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक पर्सनालिटी से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, एक टिप है जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आई एम फाइन जो आप बोलते हो, क्या वो सही है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नहीं भाई, ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि फाइन तो सब बोलते हैं, फाइन का मतलब होता है सही है यार, ज़िंदगी में कलेश चल रहा है लेकिन सही है ज़िंदगी। अब उसकी जगह आप क्या बोलोगे? आई एम फैंटास्टिक, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट, आई एम ऑन सेवेंथ हेवन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। इस सब का मतलब होता है हैप्पी होना। इस सब का मतलब क्या होता है? हैप्पी होना। अगर आप इन सब वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, देखिएगा आपकी वोकैबुलरी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी, आपकी वोकैबुलरी तो अच्छी होगी ही होगी। साइमल्टेनियसली क्या होगा कि सामने वाला बंदा ये सोचेगा, भाई ये तो बहुत खुश रह रहा है, हमें इस बंदे के साथ टाई अप कर लेना चाहिए, हमें इस बंदे के साथ बनानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको कोई पसंद नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी पसंद नहीं करता अगर आप बीमार हो, अगर आप टेंशन में हो, आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेगा। देख लेना, नेगेटिव एनर्जी निकलती है, आपको तो पॉजिटिव बनना है ना भाई। इंसान की दो पर्सनैलिटी होती है, एक तो वो जैसा होता है जैसा वो दिखाता है, एक तो वो जैसा होता है जैसा वो दिखाता है, और एक जैसी पर्सनैलिटी दूसरों को दिखती है। भाई ज़रूरी थोड़ी है अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी कुछ दिखा रही हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी वही दिखे, जो लोग देखना चाहते हैं वो भी तो दिख सकती है। तो इन शॉर्ट आप लोगों की तीन पर्सनैलिटी होती है, तो कोशिश करो आप अपनी पर्सनैलिटी को अलग दिखाओ बिल्कुल, ठीक है। स्यूडो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो एक तरीके का रूट वर्ड है, देख लेना। मतलब किसी भी अगर वर्ड के आगे स्यूडो लगा हुआ हो तो एक रूट वर्ड है, उसको आप बोल सकते हैं फॉल्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। एंड या वन मोर थिंग, कमेंट करते रहिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, हमें आपका फुल सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो मेरे लिए भी वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाएंगी, बिकॉज़ आई एम वेरी इंगेज इन माई स्टडीज़ राइट नाउ। सो कमेंट कीजिएगा, पूरा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि ये यूज़फुल टिप्स दूसरों तक पहुँचे और दूसरों का भी भला हो सके। तो नेक्स्ट टिप हमारा क्या आता है? हर किसी की लाइफ में पर्सनल स्पेस है, यानी कि आपको कोशिश करनी है कि आप 5-6 इंच का गैप तो ज़रूर रखो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो। मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई, लड़की लड़की में घुस रही है, लड़का लड़के में घुस रहा है, बिल्कुल कंधे पे हाथ डाल डाल के चल रहे हैं। भैया नहीं, किसी किसी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मेरी बात को आप मान लीजिए। हर किसी का लाइफ में पर्सनल स्पेस है, उसको दीजिए। कहती बात आपको मेरे समझ में आ गई या नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप थी, ऐसी टिप्स आपको कोई बताएगा नहीं। एंड देखिए, मान लीजिए ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, ये आपका फोर्थ टिप हो गया। मान लीजिए आपका ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है और आप बोल ही नहीं रहे, आप चुप बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया 2 घंटे हो गए। अगर आप एकदम से बोलोगे ना तो लोगों को लगेगा कि यार हाँ, ये बंदा ना इम्पोर्टेंट टिप दे रहा है, ज़रा इसकी बात को एक बार सोचते हैं, इसकी बात को एक बार समझते हैं। यानी कि शॉर्ट में टिप क्या हुआ? कम बोलो। क्या है? कम बोलो भैया, जितना कम बोलोगे उतना ही सही रहेगा। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा बोल के क्या करना है, आपकी मुंह की एनर्जी ही वेस्ट हो रही है। मैंने माना कि भगवान ने मुंह दिया है आपको, अनलिमिटेड वर्ड्स बोलने के लिए दिया है, लेकिन अगर देख लेना, अगर आप किसी चीज़ को अनलिमिटेडली करते हो ना तो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है ना। तो जितना हो सके आप लोग कम वर्ड्स का यूज़ कीजिए, कम वर्ड्स में बात को बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट टिप आपका क्या आता है? मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी आपने प्रोफेशन को चुना और लोगों ने बोला यार क्या यार ये तो पागल हो गया है, मतलब तो आप रात को पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो। अगर लोग आपको बोले ना कि यार ये पागल हो गया है, तो दोस्त समझ जाओ तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो,
राइट, कहती बात आपको मेरी समझ में आ गई। अब देखिए, आप डे बाय डे बेटर बनते जाओ, डे बाय डे बेटर बनते जाओ, मतलब आप डे बाय डे कुछ ऐसी चीज़ करो जो कि नेक्स्ट डे से इम्प्रूवमेंट आए, जो कि नेक्स्ट चीज़ से इम्प्रूवमेंट आए। एंड अपना गोल सेट करो। देखिएगा, जब भी आप अपना गोल सेट करते हो, आप उसको अगर पूरा करते हो तो आपको ज़्यादा प्रेज मिलती है, आपको ज़्यादा खुशी होती है। एंड अपने आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर दो कि अगर मैंने ये करा तो मैं अपने आपको ये रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, रिजल्ट इक्वल टू मनी, यानी कि पैसा लेना बंद कर दो एफर्ट के हिसाब से, पैसा हमेशा रिजल्ट के हिसाब से लो। देखिएगा, अगर आप रिजल्ट के हिसाब से पैसा लोगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आपकी रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पावर भी बढ़ेगी, राइट। और भी ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, तो इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा है तो नेक्स्ट वीडियो में और टिप डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच।